आज का वीडियो जो सिर्फ केक डेकोरेशन देखना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और जो केक बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और आज का वीडियो बहुत बड़ा है, मतलब 4-5 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था ना, तो आज मैंने ऐसा लग रहा है इस वीडियो में सारी पंचायत कर ली है और कवर कर दी है चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बड़ी मम्मी के साइड आई हुई हूँ और मेरे पास जो भी केक डेकोरेशन का सामान है मैं टेबल पर सेट कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ और साथ ही साथ उसका प्राइस भी बता सकूँ, ताकि जब भी आपको वो चीज़ें लेनी हो तो आपको प्राइस का थोड़ा सा आइडिया रहेगा। विद फेस इस तरह से ही मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है। वैसे मैं ऊपर से वॉइस ओवर करती थी तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया था, पर इस तरह से वीडियो बनाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूंगी और क्या नहीं बोलूंगी। तो हो सकता है मुझसे थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुई होगी, पर मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आई होप आप सबको समझ में भी आएगा। और मुझसे थोड़ा बहुत जो भी गड़बड़ हुई है मैं नेक्स्ट टाइम उसको सही करने की कोशिश करूंगी। तो अभी आप सब वीडियो एंजॉय कीजिए और कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से मेरे केक के वीडियोस नहीं आ रहे, तो शायद आप सब बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे होंगे, शायद नहीं, आप सब मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हो कि दीदी हमारा दिन अच्छा नहीं जा रहा, आप सबके आपके केक के वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। तो मैंने कम्युनिटी भी पोस्ट कर दी थी कि किचन पर काम चल रहा है तो उस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं, और काम थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चल रहा है। और शायद आप सब जब किचन देखोगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे मेरी तरह। तो मैं इस टाइम ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा धूल डस्ट वगैरह फैला हुआ है। बहुत दिन हो गए वीडियो एक भी अपलोड नहीं किया मैंने, तो आज मैंने सोचा विद फेस वीडियो बना देती हूँ, तो आपके लिए भी थोड़ा सा यूज़फुल होगा और शायद आप सबको भी देख कर अच्छा लगेगा। आई हूँ मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर और यहाँ पास मैं अपना सारा चीज़ फैलाकर बैठी हुई हूँ आप सबके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। तो केक डेकोरेशन में मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो भी मुझे सामने मिल गया, तो मैंने सोचा वही मैं आज आपको दिखा देती हूँ और सारा कुछ प्राइस वगैरह भी बता देती हूँ, तो आपके लिए भी ये यूज़फुल होगा और एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो आज मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। देखिए, जब मेरा किचन छोटा था ना, मैंने आपको बताया मेरा घर बहुत छोटा छोटा सा है, तो जगह बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी अपने केक के सामान रखने को। तो मैं ऐसे ना कुछ भी ढूंढ करके इसमें ऐसे भर भर के अपने सामान ऐसे रख दिया करती थी, तो जब भी मुझे कोई चीज़ निकालना होता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, एक सामान ढूंढना होता था तो मुझे सारी चीज़ें फेंकनी पड़ती थी। तो अभी उस तरह से किचन बन गया है कि अभी मैं अपने केक का सामान सारा कुछ अच्छे से सेट कर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, बिना बकबक किए, वैसे भी मैंने काफ़ी सारी पंचायत कर ली है, मैं आपको अपना केक का सामान दिखाना शुरू करती हूँ। अभी मेरे पास कुछ आधी चीज़ें ही हैं, आधा यहाँ वहाँ भी है, मुझे मिला नहीं, तो मुझे जितना सामान मुझे मिल गया मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और टेबल पर मैंने सेट कर दिया है। तो आपको मैं सारी चीज़ों का प्राइस भी बताऊँगी और केक डेकोरेशन की चीज़ें क्या कैसी यूज़ होती हैं, क्या चीज़ें एडिबल होती हैं, क्या चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक बीटर के बारे में बता देती हूँ मैं कौन सा इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करती हूँ। तो मैं फ़िलिप्स का 300 वॉट का इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, आप कोई से इलेक्ट्रिक बीटर मत लो, आप यही वाला इलेक्ट्रिक बीटर लो। मैं 2 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ही एक भी बार ख़राब नहीं हुआ है, और कम से कम एक दिन में मैं 2 से 3 बार क्रीम बीट कर लेती हूँ तो भी मतलब इस ना ही ये ख़राब होता है और क्रीम भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बीट होती है। तो यदि आप लेना चाहो तो फिलिप्स का 300 वॉट का इलेक्ट्रिक बीटर परचेस कर सकते हो। और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर क्रीम कैसे बीट करनी है, इसके लिए भी मैंने आपको कहा था पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगी, पर ऑर्डर्स के कारण मुझे टाइम नहीं मिला और मैं अभी तक उस वीडियो को भी अपलोड नहीं किया है मैंने। तो अब मैं कोशिश करूँ कि अब मेरा सारा सेटअप सही से हो जाएगा तो मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँ। अब बताती हूँ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अस्त्र शस्त्र के बारे में जो केक बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब यदि आपको केक बनाना है तो हर दिन इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने ही वाली है। सबसे पहले हैंड विश्कर मार्केट में हर साइज़ पे आते हैं, इससे भी छोटा इससे भी बड़ा, जो कि आपको लेना है, मतलब लेना है, मैंने अपने एक शॉर्ट्स वीडियो पर भी आपको बताया था। फिर ये है स्पैचुला, एक जॉइंट स्पैचुला है, जैसे देखिए यहाँ पे ये मतलब अलग नहीं हो रहा है, एक आता है
ऐसा स्पैचुला जो ऊपर से अलग हो जाता है और यहाँ पे प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। तो आपको सिलिकॉन का जॉइंट स्पैचुला लेना है। जब भी अगर क्रीम वगैरह आप मिक्स करोगे, बैटर क्लीन करके केक टिन पे ट्रांसफ़र करोगे, तब आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जॉइंट स्पैचुला ही लो, ठीक है, ये भी हो गया। फिर ये है पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ हम केक पर क्रीम स्प्रेड करते हैं, केक को कवर करने के लिए हम पैलेट नाइफ का यूज़ करते हैं। तो ये भी हर साइज़ पे आती है, छोटी उससे भी बड़ी, ठीक है। और फिर कुछ इस तरह के भी होते हैं, देखिए ये भी मैंने अभी परचेस किया है, तो ये अभी तक खुला भी नहीं है, फिर यूज़ करूँगी मैं, आपको तो दिखाऊँगी, ठीक है। तो एजेस क्लीन करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें केक पर प्रॉपर आइसिंग फिनिशिंग देने के लिए, ठीक है, आपको इन दोनों की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये है ब्रेड नाइफ, केक कटिंग नाइफ, केक को स्लाइस मतलब थ्री लेयर्स पर डिवाइड करने के लिए, केक की लेयर्स करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप धागे से भी कर सकते हो, पर यदि आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें मतलब जल्दी होने लगेंगी, ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा। वरना आप धागे से भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, यदि आप इससे करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। बस कुछ इसमें स्क्रेपर्स वगैरह हैं साइड पर, जिससे मैं डिज़ाइन देती हूँ, ठीक है, क्लीन करती हूँ, तो ये कुछ स्क्रेपर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टर्निंग टेबल, टर्निंग टेबल के बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको, एक प्लास्टिक की आती है और एक मतलब लोहे वगैरह की होती है। तो आप प्लास्टिक वाली टर्निंग टेबल बिल्कुल यूज़ मत करो, मैंने आपको अपने यहाँ पे अभी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। आप उस तरह की टर्निंग टेबल यूज़ कर सकते हो जो आप मेरे वीडियोस पर हमेशा देखते हो, थोड़ा सा हाइटेड टर्निंग टेबल लो यदि आप हमेशा के लिए लेना चाहते हो। क्योंकि केक जब भी आप बनाना शुरू करोगे ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार केक बना रहे हो फिर महीने में दूसरी बार एक ही बार केक बनाओ, क्योंकि आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे और आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आप केक पर बिजनेस कर सकते हो। और फिर घर पर तो सेलिब्रेशन चलता ही रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक की टर्निंग टेबल मत लो। अब मैं आपको कुछ लिक्विड और जेल कलर्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए मैंने इस पर तो सेपरेट वीडियो बनाया ही था, जब क्रीम के बारे में मैंने बताया था तब मैंने आपको कलर्स के बारे में बता दिया था। तो आपको पाउडर कलर कभी भी यूज़ नहीं करना है क्रीम पर, पाउडर कलर सॉल्टी होते हैं, वो आपकी क्रीम को ख़राब कर देंगे। आपको इसी तरह के फूड कलर ही यूज़ करने हैं, लिक्विड यूज़ करो या फिर आप जेल यूज़ करो, दोनों ही टेस्ट में अच्छे होते हैं, आपकी क्रीम ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, ना ही कड़वी होगी, नो प्रॉब्लम, आप आराम से यूज़ करो। बस लिक्विड कलर थोड़े से सस्ते मिलते हैं और जेल कलर थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं। सारी चीज़ों का प्राइस आपको स्क्रीन पर मैं दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पर भी मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख लेना। इसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि आप बिगनर हो जैसे मैंने शुरुआत की थी, यदि मैं आपको वो बताऊँ तो मैंने लिक्विड कलर से ही शुरुआत की थी, क्योंकि ये 20-25 रुपए का एक डिब्बे मिलता है और जो जेल कलर्स होते हैं वो 80, 100, 150 इस रेंज पर आपको एक मिलते हैं। तो पहले आप बिना पैसे वेस्ट किए शुरुआत इससे करो। इससे भी ऐसा नहीं कि आप लिक्विड कलर यूज़ करोगे तो क्रीम आपकी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। क्रीम यदि आप परफेक्ट बीट करोगे तो उस पर यदि आप लिक्विड कलर भी यूज़ करोगे ना, तो आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और फिर अब मैं स्प्रे कलर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। केक पर जब मैं रोज़ेस बनाती हूँ या किसी तरह के फ्लावर्स बनाती हूँ, तो उस पर स्प्रे करने के लिए ये डस्ट स्प्रे डस्ट कलर होते हैं, ठीक है। इसका भी प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे ही दूंगी। और बाकी इसमें से दो जो होते हैं सिल्वर और गोल्डन, ये दोनों थोड़े से कॉस्टली होते हैं, 350-400 के अराउंड आपको ये दोनों मिलेंगे। बाकी ये 160 की रेंज पर आपको ये सारे स्प्रे कलर्स मिल जाएंगे। तो मेरे पास बहुत सारे हर तरह के लगभग स्प्रे कलर हैं और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं यार, आप एक बार ले लोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा चलने वाले, मतलब मैं इनको कब से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो। फिर बात आती है केक डेकोरेशन की चीज़ों पर। तो देखिए ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, जैसे आप बड़ी बड़ी जैसे किसी को एगलेस मतलब लेस क्रीम केक चाहिए है ना, तो वहाँ पर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कर देती हूँ। क्रीम से मैं फ्लावर्स वगैरह नहीं बनाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा क्रीम से आइसिंग करती हूँ, फिर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कर लेती हूँ। और अब बड़े बड़े पार्टी वगैरह पे जो भी बर्थडे केक वगैरह चाहते हैं, तो आप वहाँ पर ना सारी चीज़ें ऐसी ही यूज़ होती है जो एडिबल नहीं होती है, उससे ही हमारे केक का ना लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। फिर ये है पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग में देखिए बहुत सारी है, मैंने पूरा सेट इस तरह से लेकर रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
और पाइपिंग बैग आप रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है। यदि आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सिंगल सिंगल एक एक करके पाइपिंग बैग मत लो, वरना आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आप इस तरह से एक पूरा पैकेट लेकर रखो, आपको बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ हो जाएगा। और आप इसको धुल कर बार बार रीयूज़ भी करो, वॉश करो पाइपिंग बैग और फिर से यूज़ करो। और फिर ये है न्यूट्रल जेल ट्रॉपोलाइट का, मैं से 2.5 kg का न्यूट्रल जेल मंगा कर रखती हूँ। प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। न्यूट्रल जेल यूज़ करने से होता क्या है, जो हमारी केक की है सेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है और क्रीम पर क्रैक वगैरह नहीं आते हैं। बेकरी पर अक्सर आपने देखा होगा न्यूट्रल जेल का केक पर ज़्यादा काम होता है। फिर है मेरे पास ये डॉल टॉपर, जैसे हम डॉल केक बनाते हैं। फिर ये है हथौड़ा, मतलब ये तो आप जानते होंगे पिनाटा केक जब भी हम बनाते हैं उसके लिए है ये। और फिर ये मेरे पास क्रिसमस के लिए कुछ थे डेकोरेशन की चीज़ें। फिर ये कुछ बटरफ्लाइज हैं, ये भी हम केक डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। ये एडिबल नहीं होती हैं, ये वाली बटरफ्लाई एडिबल नहीं, पर कुछ बटरफ्लाइज होती हैं जो, मतलब जो भी मैं यूज़ करती हूँ केक पर वो एडिबल होते हैं, ठीक है। फिर कुछ ये स्प्रिंकलर्स हैं, पर मेरे पास अभी सामने मेरे पास ये दो ही रखे हुए थे, पर बहुत सारे स्प्रिंकलर्स हैं तो आप उसका भी यूज़ केक पर यूज़ करते हैं, केक डेकोरेशन पर। अभी मेरे बाकी सारे कहीं और पर रखे हुए थे, तभी मैं आपको दो ही दिखा रही हूँ। फिर ये है एडिबल कलर मार्कर, जिससे हम फॉन्डेंट पर नेम वगैरह लिखते हैं। जैसे मैंने अपने भतीजे के बर्थडे पर बनाया था ना, तो मैंने लिखा था। ये सारी चीज़ें मेरे पास अभी न्यू है, पहले मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, मैंने अभी मंगाई है तो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। फिर ये है बहुत सारे टॉपर्स, केक टॉपर्स, ठीक है। ये है बहुत सारे केक टॉपर्स, हर थीम पर आपको मिल जाएंगे। जैसे न्यू ईयर स्पेशल टॉपर है, एनिवर्स और क्रिकेट थीम पर टॉपर है, जंगल थीम पर टॉपर है, मतलब कभी भी किसको किसी भी थीम पर यदि केक चाहिए तो आप टॉपर्स का भी यूज़ कर सकते हो। बस टॉपर्स आपको 50-60 रुपीस के मिलते हैं, तो उसका आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। सारे टॉपर्स हैं। फिर है मेरे पास ये कुछ बटरफ्लाइज है, जिनको ये एडिबल होती है, केक डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। और फिर हैप्पी बर्थडे के लिए भी मेरे पास बहुत सारे हैं, जैसे ये ब्राइड टू बी का है एक, है ना, तो हैप्पी बर्थडे का है, टॉम एंड जेरी का है, बहुत सारे टॉपर्स होते हैं। तो आपको ये इस तरह के टॉपर्स भी ना इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। ये कुछ बटरफ्लाइज है, ये एडिबल होती है, आप इसे खा सकते हो। और फिर चॉकलेट कंपाउंड के बारे में बता दूँ, तो चॉकलेट कंपाउंड मैं 2M का या मॉडी दोनों को यूज़ कर लेती हूँ, जो मुझे ईजिली मार्केट में मिल जाता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। कई सारे लोग पूछ भी रहे थे कि कौन सा बेस्ट होता है, तो मॉडे या 2M, आप कोई सा भी यूज़ करो, टेस्ट दोनों का ही अच्छा होता है। ज़्यादा महंगा भी मत यूज़ करो यार, आपकी कॉस्ट निकल जाए केक से, ऐसी चीज़ें यूज़ करो। तो आप 2M या मॉडे दोनों यूज़ कर सकते हो। फिर हैं मेरे पास ये सारी चीज़ें मैंने अभी मंगाई हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये एडिबल नहीं होती है, ये जो बॉल्स है ये एडिबल नहीं है, सिर्फ केक डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। काफ़ी सारे कलर्स पर मिलती है, पर मेरे पास अभी ये चार है, मैं आपको जब केक डेकोरेट करूँगी ना तब दिखाऊंगी। और ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर ये है मेरे पास पिनाटा मोल्ड, पिनाटा सिलिकॉन मोल्ड, ठीक है। तो इसको भी हम ट्राई करेंगे, ये मेरे पास अभी तक नहीं था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास अभी आई हैं, इसके पहले मैं इन सारी चीज़ों के बिना केक डेकोरेट करती थी। और फिर मैंने ये सिल्वर और गोल्डन ड्रिपर भी मंगाया है, ये 200 की मुझे एक डिब्बी मिली है, तो इसका भी यूज़ मैं करूँगी, आपको केक पर आगे दिखाऊँगी। देखिए आपको जब केक के लेवल को ना और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है, थोड़ा सा ऐसे से ऐसे उठना है, तो सीधी सी बात है आपको केक डेकोरेशन की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी यूज़ करनी होगी, तभी आपके केक पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। वैसे तो आप क्रीम से बहुत सारे केक डिज़ाइन मैंने शेयर की है और आगे भी मैं करूँगी, क्योंकि जैसा सीधी सी बात है, जब हम ये सारी चीज़ें केक पर यूज़ करते हैं तो केक की जो कॉस्ट होती है, प्राइस होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कस्टमर की डिमांड पर ही हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कस्टमर को सीधा क्रीम पर केक चाहिए तो हम क्रीम से डेकोरेशन कर देते हैं चॉकलेट गार्निशिंग के साथ, और यदि ये सारी चीज़ों से फिर डेकोरेशन चाहिए तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो थोड़ा सा लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको केक डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए ही होंगी, तभी केक पर बहुत अच्छा लुक आएगा। फिर ये है मेरे पास, जैसे किसी का नेम वगैरह लिखना होता है, जैसे मैंने अभी एक क्रिकेट थीम केक पर लिखा था,
तो ये सारी आप चॉकलेट को मेल्ट करो, इस पर डालो, और तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डीप था, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चॉकलेट्स यूज़ होती थी और इस पर थोड़ा कम चॉकलेट यूज़ होती है। तो ये मेरे पास है 1, 2, 3 ऐसे नंबर वाले भी हैं, और ये ऐसे एक नंबर वाला भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। फिर ये कुछ कटर है, फोंडेंट कटर, आप इसे मतलब चॉकलेट्स पर कट कर लो या फिर आप फोंडेंट पर कट कर लो, दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। फिर ये भी है एक, ये है एक फोंडेंट कटर, जैसे कपल थीम केक है, एनिवर्सरी केक है, तो उस पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और फिर ये तो कुछ बेस प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं, तो लगभग यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं अभी मेरे पास सामने, वो मैंने आपको दिखा दी है। प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है सारी चीज़ों का, और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आपको सारी चीज़ों का प्राइस मैंने दिखा दिया है। और ये अभी मेरे पास फ़िलहाल एक रखा हुआ है केक टिन, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केक टिन हैं, जब मैं सारी चीज़ें मेरे सामने होगी ना तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। और बहुत सारे नोज़ल्स वगैरह हैं, नोज़ल्स भी अब मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, और किचन पे क्या कैसे काम चल रहा है वो भी मैं आपको, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको किचन का फाइनल लुक दिखाऊं, तो इस वजह से मैं आपको अभी किचन का थोड़ी छोटी सी भी क्लिप नहीं दिखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ जब किचन कम्प्लीट हो जाए तब मैं आपको किचन टूर दूँ। तो और किचन के अलावा भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम घर पर चालू करवा रही हूँ मैं, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम थी, मम्मी को बहुत प्रॉब्लम परेशानी होती थी, तो वो सारी चीज़ें भी मैं अभी करवा रही हूँ, तो ठीक है वो जल्दी से हो जाएगा। बाकी मैं वीडियोस अब कोशिश करूँगी कि मैं आप सब के लिए बड़ी मम्मी के घर पर ही आकर ऐसे ही बैठकर विद फेस वीडियो या केक डेकोरेशन, मेरे पास बहुत सारे भी, इस बीच मेरे पास 3 से 4 ऑर्डर्स भी आए, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आए थे मुझे ऑर्डर्स देने, पर मुझे मना करना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, वो मतलब उन्हें केक चाहिए था, दीदी आप कैसे भी बना दो, कहीं भी बैठकर बना दो, तो मैं नहीं बना पाई, मुझे मना करना पड़ा। और हाँ, बड़े पापा के लिए मैंने बताना भूल गई आप लोगों को, बड़े पापा घर आ गए हैं, अभी तबीयत उस तरह से ठीक तो नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, पर काफ़ी आराम मिला है उन्हें, थैंक यू, आप सब ने बहुत सारी प्रे भी की थी। तो बड़े पापा घर आ गए हैं, घर पर है, बस घर पर काम चल रहा है, जैसे ही सारी काम थोड़ा सा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम 2 मिलियन का सेलिब्रेशन करेंगे। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ बहुत लेट हो रहा है 2 मिलियन के सेलिब्रेशन के लिए, पर मतलब थोड़ा लेट होगा, पर चीज़ें सही से होंगी और अच्छी होंगी, तो हम 2 मिलियन का जब सेलिब्रेशन करेंगे तो बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, और पता नहीं मैंने विद फेस फर्स्ट टाइम इस तरह से वीडियो बनाई है तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, और जो भी मन में आता गया ना मैं बोलती गई। तो आई होप आपके आज की वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी, और केक को लेकर आप सबके बहुत सारे डाउट्स हैं जिस पर मैंने कम से कम, मुझे 1 महीने हो रहे हैं आप लोगों से डाउट पूछे हुए, तो मुझे उस पर भी वीडियो बनानी है, पर मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें घर पर बिगड़ती गई, केक के ऑर्डर्स लगातार आते गए, फिर किचन पर काम भी चालू हो गया, तो मैं उस पर भी अभी तक वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और मुझे फ़ोन का भी वेट था कि फ़ोन आ जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊँगी, तो अभी फ़ोन भी आ गया तो अभी मैं उस वीडियो को नहीं बना पाई हूँ क्योंकि किचन पे काम चालू हो गया। तो अब जैसे ही किचन का काम ख़त्म होगा हम पहले 2 मिलियन का सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपके डाउट्स पर एक फुल वीडियो इसी तरह से विद फेस, आप सबके कॉमेंट्स को पढ़ते हुए एक विद मतलब आपके डाउट पर वीडियो शेयर करूँगी। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, जो सारी चीज़ें मैंने बताई आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। यदि आप कुछ चीज़ परचेस करना चाहते हो या कोई भी सामान, तो आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया हो जाएगा प्राइस को लेकर कि हाँ ये चीज़ हमें इस प्राइस पर मिलती है, और बाकी एरिया पर डिपेंड करता है, आपके एरिया पर आपको थोड़ा बहुत 10 पीस ऊपर नीचे हो सकता है चीज़ें, पर लगभग आपको इसी रेट पर चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन पर भी दे दिया है, तो आप वहाँ से कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक बार प्राइस का आइडिया भी लगा सकते हो। और इसी तरह की और वीडियोस चाहिए, आप चाहते हो मैं केक डेकोरेशन का पार्ट 2 भी लेकर आऊँ, तो मुझे कॉमेंट कर देना, मेरे पास और भी जो बाकी सामान है उस पर भी मैं पार्ट 2 पर वीडियो बना दूँगी, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी अब तो विद फेस वीडियोज़ ही आने वाली हैं, और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि दीदी किचन का वॉलपेपर चेंज हो गया है, तो अभी हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपकी वीडियो है, तो कोई नहीं, अब तो मैं ही रहूँगी वीडियो पर, तो आपको वॉलपेपर से पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और
ठीक है, आपसे विथ फेस वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जैसे आपने मेरी वॉइस पर वीडियोस को इतना प्यार दिया है, उसी तरह से विथ फेस वीडियोस को भी मेरे बहुत प्यार दीजिएगा। और मुझे पता है आप सब प्यार देंगे, क्योंकि मैं यूं ही फैमिली नहीं कहती आप लोगों को, आप सब मुझसे ऐसे ना दिल से कनेक्ट हो तभी आप सब भी मुझे इतना प्यार करते हो, और मैं भी वाइटी फैमिली कहती रहती हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगी मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो आप सबके लिए अपलोड कर दूँ। मैंने सोचा था कि इतने दिनों जब से काम चालू हुआ है किचन का, मैं एक भी दिन वीडियो स्किप नहीं होने दूंगी, मैं लगातार शॉर्ट्स वीडियो आप सबके लिए अपलोड करूंगी। पर जब काम चालू होता है ना घर पर, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़, मार्केट आना जाना, सामान लाना, फिर जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे रहकर सारी चीज़ें देखना करना कि सही से काम हो रहा है या नहीं, उस वजह से वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी मुझे। तो मैं वीडियो मुझे बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से इतने दिन वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए सॉरी। और आप सब ने मेरे वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा मिस भी किया है। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, हमेशा की तरह अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अभी तक मैं सौम्या सी रेसिपीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सौम्या सी रेसिपीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ फिर एक जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।